असलम जी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इन साइड में तलाल डार और इस वक्त पूरा पाकिस्तान क्रिकेट के पीछे पागल हुआ हुआ है लेकिन हमें बहुत से लोग जो हैं पूछ रहे थे कि भई आप सिर्फ क्रिकेट पे आजकल वीडियोस बना रहे हैं बाकी स्पोर्ट्स है आपने वीडियोस बनानी छोड़ दी हैं तो कर्नल आसिफ डार साहब का भी बहुत से लोग पूछ रहे थे कि उनके साथ वीडियो नहीं बन रही तो आज हमने इनसे टाइम लिया इनसे आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमें बताएं कि सारी कॉम तो क्रिकेट के पीछे लगी हुई है बाकी स्पोर्ट्स की क्या सिचुएशन है हम देखे कौम का मतलब है कि जो इससे मुतल खेलों के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं हमारे खेलों के मुतलका लोग हमारी मिनिस्ट्री पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और फेडरेशने हैं उनका तो क्रिकेट से तो कोई तलक नहीं है क्रिकेट इज तो नॉन ओलंपिक गेम्स तो वो अपने एंड पे क्या कर रहे हैं उन्होंने क्या किया ओलंपिक से वापस आने के बाद जितने भी मुलक हैं उन्होंने अगले ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी अगली खेलों के जो होस्ट है फ्रांस आज ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था उन्होंने चार हजार नए खिलाड़ी तैयार करने हैं उनमें से फिर वो ट्रेनिंग दे के सिलेक्शन करके सिलेक्शन सिलेक्शन ट्रायल ट्रायल करने के बाद नए खिलाड़ी इंडक्ट करना चाहते हैं अपने कॉन्टीजेंट को बेहतर बनाने के लिए ये फ्रांस का टारगेट है जहाँ तक बाकी मिल्कों का अलग है भारत ने तीरंदाजी में बड़ा अच्छा खेला रेसलिंग में उनकी टीमें गई और इसी तरह खेलों के मुकाबले में लेकर हम जब से इधर आए हैं हम ये बहस में उलझे हुए हैं आज दो तीन महीने गुजर गए कि ओलंपिक में ये खेलों में परफॉर्मेंस देने का जिम्मेदार कौन है मुझे याद है कि आज जो ओलंपिक एसोसिएशन कह रही है हमारा अलग ही कोई नहीं है इसके सेकटरी खालिद ने यह बयान दिया था साहब खेलों में जाने से पहले कि अगर कैंप वक्त पे ना लगे तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे इसका मतलब अगर कैंप लग जाए तो ये जिम्मेदार है अगर कैंप ना लगे तो ये जिम्मेदार है नहीं है तो भाई फिर आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस से कोई तलग नहीं है तो ये दोगले किस्म के जो बयान है ये दे के आप अपने आप को कवर ना करें कुछ मैदान में जाके आप करके दिखाए तैयारी करे टोटली मेरा ख्याल है कि सवाए एक एथलेटिक बोला है कि हम अपने पोटेंशियल जो हमारा मेडलिस्ट है अर्शन नदीम जो अच्छा परफॉर्म करके है उसकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं और वो उसके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं इसके अलावा मुझे नहीं नज़र आ रहा दूसरा जो लड़का बेहतर खेल के आया था ये तलह तालत उसकी फेडरेशन जो है वो उलझी हुई है मकदमात में और डिसिप्लिन में सबसे बड़े वो खुद डिसिप्लिन है और उन्होंने 12 लोगों के ऊपर जिनकी वजह से पाकिस्तान ने दुनिया में नाम कबाई के ऊपर बैन लगा दिया है अरा अंदाजा करें कॉमनवेल्थ खेलों का रिकार्ड होल्डर और गोल्ड मेडल शजाउद्दीन मलक उसके ऊपर बैन है खेलों वेट लिफ्टिंग में जान डालने वाला रियाबुल शेख उसके ऊपर बैन है तो ये जिन लोगों पर बैन लगा हुआ था उन्होंने हाई कोर्ट में एक केस कर दिया और कोर्ट ने अभी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को बोला है कि वो मुकम्मल छानबीन के लिए एक कमेटी बनाए और वो कमेटी वेल लिफ्टिंग का एक मामला तय करेगी कि उन्होंने लोगों को जाएराइिंग करवाई कहाँ ये फेल हुए कहाँ उन्होंने क्या किया तो वो कमेटी जो है अभी मिनिस्ट्री और पाकिस्तान स्पोर्ट, स्पोर्ट बोर्ड ने बनानी है लेकिन मैं एक बाबर करा दूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर मैं हाई कोर्ट में गया था और तकरीबन तो दो साल पहले हाई कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि आप पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसको लागू करें और इस केस में उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनमें भी बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि बाहर की जाए राइडिंग के लिए हमेशा कैंडिडेट होते हैं, वो पे जाते रहे हैं और जाए राइडिंग में जाते रहें और जाए रहने में उनका टारगेट है वो भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कोई फेडरेशन है या आर एफ असर ग्रुप की फेडरेशन ने कह लें आप और यो नाराज हो तो देखते हैं अभी इस मुकदमा जो बड़ा ये आपके मिनिस्ट्री में स्पोर्ट मिनिस्टर प्या, प्या, है हमीदा मिर्जा ये पी एस ओ में नए डी जी आए हैं कि ये हाई कोर्ट के इस आर्डर को किस तरह लेता है कि इसी तरह नहीं होता जिस तरह मेरे केस में हाईकोर्ट ने फैसला दिया था और वो गौर कर दिया ये केस गोल होता है या कि उसके ऊपर कोई नतीजा निकलता है लेकिन मेरे ख्याल में नतीजा निकलना चाहिए ताकि जो हमारा बिगड़ा हुआ स्पोर्ट का निजाम है उसको दुरुस्त करने के लिए कोई कदम उठाया जाए अगली बात है जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने ये एक स्टेटमेंट दी है कि हम एशियन खेलों के लिए और कॉमनवेल्थ खेलों के लिए जो छः खिलाड़ी हैं उनका वक़्त पे कैंप लगाएंगे भाई कौन से वक़्त पे लगाओगे महीने कितने रह गए हैं लोग इन खेलों की तैयारी के, के लिए छः छ साल तैयारी करते हैं आपको जुलाई में एशियन गेम है नवंबर आ गया है और आपके बच्चों के इम्तहान भी आने हैं मार्च अप्रैल में बीच में रमज़ान भी आ रहा है अप्रैल का पूरा महीना आपका रमजान में जाना है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा अपने तजर्बे की रोशनी में कि आप इनके कैंप लगाए फौरी तौर के ऊपर मगर उन लोगों के जिनका कोई उधर चांस है मेडल ले लेकिन कम अज़ कम उधर खेलते तो हुए नजर आए मुल्क के लिए और जो उधर पाकिस्तान का झंडा लेकर लोकल पाकिस्तानी आएंगे चाइना में या बर्मिंगम में कपड़ा खेलों के ऊपर उसके बाद फॉरन एशियन गेम है चाइना में वो शर्मिंदे होकर ना जाए लास्ट एशियन गेम के ऊपर हमारे रग्बी टीम गई थी जिसने मेरा ख्याल को डेढ़ सौ या ढाई सौ गोल खाया था और एक गोल भी नहीं खा सके थे क्या ऐसी टीमों को बेच के वोट तो कमा सकते हैं लेकिन इस शर्मिंदगी का जिम्मेदार कौन है आपको तो शर्म नहीं आती ये परफॉर्म देने के बाद लेकिन जिनको आती है कुछ उनका ही ख्याल कर ले अगर किसी ने नहीं, नहीं करना तो कम अज़ कम वजीर आजम साहब कुछ ख्याल करे और एक स्टैंडर्ड लोग कर दे कि जो स्टैंडर्ड से नीचे होगा वो बाहर नहीं जाएगा इस ख्याल से मेरे जो मेरा अपना ओपिनियन है आपका काम खेलों में हॉकी का कोई ख़ास स्कोप नहीं होना स्क्वास का खास स्कोप नहीं होना रेसलिंग है वेट लिफ्टिंग है या कोई चांस मिल गया तो बॉक्सिंग का चांस है एथलाटक में बड़े बड़े आपके खिलाड़ी में जैसे मेडल नहीं ले सके हाँ नदीम के थ्रो लग गई तो ये मेडल ले सकता है बाकी इसके अलावा एथलाटक का कोई चांस नहीं है अक्षर नदीम है और आपका वेट लिफ्टिंग में चांस है बॉक्सिंग रेसलिंग इधर अगर आप जाएंगे तो आपका हॉकी में चांस है एशियन गेमों में उसका स्वास्थ का चांस है रेसलिंग उधर नज़र भी नहीं आएगा ना पहले कभी आए हैं एटी सिक्स के बाद से आज तक किसी एशियन गेम में रेसलर ने कोई मेडल नहीं लिया शायद वेट लिफ्टर भी तरह ले सकता है मेडल और आपको आर्ट आपके बच्चे हैं, जिनका कोई चांस बनेगा लास्ट से नर्गस गई थी ये कराटे में तो ये आपका कॉन्टीजेंट दोनों तरफ चालीस से पचास लोगों का बनता है इनको तलाश करें इनके कैंप लगाएं और अगर पॉसिबल हो तो आप रमज़ान के फौरन बाद नेशनल गेम्स कराएं बच्चे पहनों से फारग हो गए होंगे ये जो डिपार्टमेंट अपने खिलाड़ियों को तैयार करें ठंडी जगह पर करा लें इस्लामाबाद में मौसम ठीक होता है हफ्ताबाद में करा लें ने गेम और फिर उनका जो रुपे अरसा होगा गेमों से पहले कैंप लगा के एक स्टैंडर्ड के तहत उनके ट्रायल लें और जो डिजर्विंग खिलाड़ी है उनको बाहर भेजें और जो गंद पड़ा हुआ है सियासत का इसको जल्दी से जल्दी हुकूमत ख़त्म करे वरना ये सारे का सारा ये जो टोला बैठा हुआ है फेडरेशनों में और ओलंपिक में ये सारे का सारा निज़ाम हुकूमत के ऊपर डाल देगा इस गंद को हुकूमत क्लियर करे एक साफ शफाफ दे रास्ता दे जिसके ऊपर चलते हुए हम एशियन गेम और कॉमनवेल्थ में परफॉर्म कर सके और मुल्क का नाम रोशन करें जी बिल्कुल आपने सही कहा उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है वो एकदम मात लेगी इसके लिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी तब तक ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़